हाय डियर फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में बताऊंगा टेक्स्ट और इमेज की सहायता से। इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप नोटपैड में कुछ लाइनों को लिखकर, एक प्रोग्राम लिखकर किस तरह से बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर के फाइलें फोल्डर को किस तरह से लॉक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से फोल्डर को लॉक किया जा सकता है डियर फ्रेंड्स नोटपैड के माध्यम से। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, पूरा गौर से देखिए डियर फ्रेंड्स। मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप नोटपैड के यूज़ से अपने फोल्डर्स को लॉक कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने निजी डाटा को दूसरों से बचा के रखने में। अब आप पूछोगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मददगार ट्रिक है। इससे मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है, शायद आपको भी हो जाए। तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप एक फोल्डर बनाएं किसी भी ड्राइव में। उदाहरण के लिए आपने एक फोल्डर अपने ई ड्राइव में टिप्स के नाम से बनाया, जिसका पाथ नीचे दिया गया है /tips। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आप नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते जाइए और आप लास्ट में आपका फोल्डर लॉक हो जाएगा आसानी से, जिसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नोटपैड खोल लें और उसमें RENRAN tips टाइप, ब्रैकेट में देख सकते हैं आप 21EC2020-3AEA-1069-8222-00200-B30309D ऊपर दिया गया कोड कॉपी करके पेस्ट करें। डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप इस वीडियो में भी मैं आपको टेक्स्ट के माध्यम से बता रहा हूं, तो आप वीडियो की प्रायोरिटी को बढ़ा के इसे ध्यान से देख लें, समझ लें और उसके बाद करें। डियर फ्रेंड्स, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें दे दूँगा आपको। ऊपर दिया गया कोड कॉपी करके पेस्ट करें और या डिस्क्रिप्शन से उठा के पेस्ट कर दें और अपने जिस ड्राइव में टिप्स नाम का फोल्डर बनाया था उस ड्राइव में आप अपनी इस नोटपैड को loc.bat लॉग बैट के नाम से सेव करें। अब आप एक और नोटपैड खोलें और उसमें नीचे दिया गया कोड कॉपी करके पेस्ट करें। ये नीचे दिया गया कोड डियर फ्रेंड्स RENRAN tips ब्रैकेट में करली ब्रेसेस में लिखना है 21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D ब्रैकेट क्लोज टिप्स, और एक बार फिर उसी ड्राइव में इसे कीबैट के नाम से सेव करें जिस ड्राइव में आपने टिप्स नाम का फोल्डर बनाया था। लीजिए, आपका काम अब हो गया डियर फ्रेंड्स। आप जो फाइल या फोल्डर या कोई आप कोई फाइल या फोल्डर या कोई और चीज़ जो आप दूसरों से छिपाना चाहते हैं उसे टिप्स नाम वाले फोल्डर में डाल दें और इसे लॉक करने के लिए LOC वाले आइकन पे क्लिक कर दें और दोबारा इसे अनलॉक करने के लिए की वाले आइकन पे क्लिक कर दें और आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं। टिप को समझने के लिए इस्तेमाल किया था। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ज़रूरी जानकारी, इस ट्रिक से फोल्डर लॉक नहीं होता, बल्कि जब आप लॉक वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो उससे वो फोल्डर आपके PC की एक ऑप्शन वाला एक शॉर्टकट बन जाता है और की वाले आइकन पे क्लिक करने से फिर आपका फोल्डर सामान्य हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ज़रूरी जानकारी ये है कि इस ट्रिक से फोल्डर लॉक नहीं होता है, बल्कि जब आप लॉक वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो उससे वो फोल्डर आपके PC की एक ऑप्शन वाला एक शॉर्टकट बन जाता है और की वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से फिर आपका फोल्डर सामान्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है डियर फ्रेंड्स, तो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें आपको टाइप करनी होंगी ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।
आप वहाँ से वीडियो को देखिए और वहाँ से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन से आप सीधे पेस्ट कर लीजिए। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मैं पॉइंट वन से लेके पॉइंट फोर और उसके बाद के कुछ मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।